जय जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं एक ऐसी वीडियो के साथ जो आपके बहुत सारे दुखों का नाश कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं सावन चल रहा है, सावन के उपाय बता रही हूँ मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में। तो दोस्तों सावन का उपाय बताऊंगी आज मैं इसमें आपको, पर उसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मन चाहा वर पाना चाहते हैं उसके लिए मैं आज आपको उपाय बताऊँगी कि आपको सावन में करना क्या है। तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपको, अगर आप लड़के हैं तो आपको वधु मिलेगी और आप लड़की हैं तो आपको आपका मन चाहा वर मिलेगा। तो दोस्तों करें क्या, बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए आपको सोमवार के दिन 5 मीठे पान बनवाकर चढ़ाने हैं, शिव मंदिर में अर्पित करने हैं। 5 मीठे पान चाहिए आपको, कि 5 मीठे पान बनवा के लेके आए, ताज़ा पान लेके आए। पहला पान गणेश जी को चढ़ाएं, दूसरा पान माता पार्वती को भोग लगाएं और तीसरा पान स्वामी कार्तिकेय को चढ़ाएं और चौथा पान नंदी जी को, नंदी बैल को चढ़ाना है चौथा पान, और पांचवा पान और आखिरी पान है वो शिवलिंग पे चढ़ा देना है। ये उपाय करना है आपने, आपके जो वर वधु की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, आपको आपका मन पसंद मन चाहा वर अवश्य मिल जाएगा। सावन का महीना है ये, वर प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर आप वर प्राप्ति का कोई भी उपाय करते हैं तो वो कामयाब ज़रूर होता है और आपको आपका मन पसंद जीवन साथी ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही सरल सा उपाय है, मीठे पान चाहिए, बस 5 आपको करके देखें। ये उपाय सोमवार के दिन करें इसे तो ज़रूर लाभ मिलेगा। और आपका कोई काम ना बन रहा हो तो आपको करना क्या है कि सूर्य देव को तांबे के बर्तन में 22 दिन तक लगातार जल अर्पण करें तो भी कार्य जल्दी बन जाता है। 22 लाल मिर्च के बीज ले लें दोस्तों, 22 बीज लेने हैं मिर्च के, लाल मिर्च होती है साबुत मिर्च लाल, उसके बीज लेने हैं। 22 बीज लें और पानी में डाल दें, सूर्य देव को जल दें तो भी मनचाहा काम बहुत जल्द बन जाएगा। घर में पैसों की किल्लत हो तो सोमवार के दिन दूध में घी और शहद और दही मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से उपाय हैं, ज़रूर करके देखें, ज़रूर लाभ मिलेगा, भोले बाबा आपसे ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे। पर ध्यान रखें कि शिवलिंग पे सिंदूर ना चढ़ाएं, गलती से भी ना चढ़ाएं, सिंदूर नहीं चढ़ता है, भोले बाबा पे चंदन का तिलक लगाएंगे तो ही फायदा होगा, इसलिए सिंदूर का प्रयोग ना करें शिव पूजन में। तो दोस्तों ये तो छोटी सी वीडियो की किस प्रकार आप अपना मन चाहा वर या वधु पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा के रख लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।